हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड क्लास 6 चैप्टर नंबर 14 द वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रेस, यानी संसार की सबसे अच्छी ड्रेस या पोशाक बोल सकते हैं हम इसको। कलेक्ट करना है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ इंटरेस्टिंग कॉस्ट्यूम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कलेक्ट पिक्चर्स यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज में कॉस्ट्यूम्स पहनी जाती है, जो मज़ेदार कॉस्ट्यूम्स होती हैं, जो पोशाक होती हैं, उनके आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। यहाँ पर कम्युनिकेट करना, टेलिंग लाइज कैन गेट वन इन ट्रैवल। तो झूठ झूठ बोलने से आप किसी भी परेशानी में पड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब झूठ बोलने से हम किसी भी या कोई भी जो झूठ बोलता है वो परेशानी में पड़ सकता है। टॉक इन क्लास अबाउट व्हाई वन शुड नॉट लाई। तो आपको क्लास में बात करनी है कि झूठ नहीं बोलना है किसी को भी। सेलिब्रेट करना, डिजाइन एन इंटरेस्टिंग ड्रेस फॉर योर सेल्फ इन द बॉक्स। अब जो भी आपको कॉस्ट्यूम है, जो ड्रेस आपको अच्छी लगती है, यहाँ पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं इस बॉक्स में। चलते हैं लेसन पर। सबसे पहले हम करेक्टर्स में करेक्टर्स जान लेते हैं। इस स्टोरी में कौन कौन से करेक्टर्स हैं? वजीर है, एम्परर है, वीवर्स हैं, वोमेन हैं, मैन है एंड बॉय। तो यहाँ सीन फर्स्ट हो रहा है और क्राउड भी है इसमें। सीन फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है द एम्परर कोर्ट। बात चली सीधी राजा के कोर्ट यानी कि दरबार से। वजीर वजीर बोलता है योर मजेस्टी देर आर विजिटर्स हु रिक्वेस्ट टू सी यू। तो वजीर बोलता है कि महाराज यहाँ पर कुछ दर्शक हैं, कुछ पर्यटक हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, जो आपसे मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे दे हैव ए गिफ्ट फॉर यू, गिफ्ट फॉर यू, ये वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए उनके पास कुछ उपहार है, कोई उपहार है। एम्परर बोलता है अ गिफ्ट, वाह। गिफ्ट सुनकर के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। इट शुड रेदर बी ए फैंसी वन। तो राजा बोलता है कि ये शायद एक फैंसी होना चाहिए। एल्स या फिर अन्यथा आई विल पनिश देम फॉर वेस्टिंग माई टाइम, अन्यथा मैं उन्हें उन्हें दंड दूंगा मेरा टाइम खराब करने के लिए। एंड बिसाइड्स एवरी वन नोज दैट नथिंग इन द वर्ल्ड इज डियरर टू मी देन न्यू एंड एक्सपेंसिव ड्रेस। तो और इसके अलावा एवरी वन नोज, और हर कोई जानता है कि इस संसार में किसी की हिम्मत नहीं है मुझे नया और एक्सपेंसिव ड्रेस के अलावा कुछ और देना, इसके अलावा कुछ और देना में किसी की हिम्मत। यानी कि कहने का मतलब ये है, इट मीन्स जो राजा था वो फैंसी और एक्सपेंसिव ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा शौकीन था। द एम्परर सिंग्स, जो गाना गाता, ओह आई डो नॉट केयर अबाउट द पब्लिक, नो आई डो नॉट केयर ए फिग, आई एम फॉन्ड ऑफ फैंसी ड्रेस मेड बाय द बेस्ट सीम स्ट्रेसेज। तो बोलता है अरे मुझे पब्लिक की परवाह नहीं है, या ना मैं पब्लिक की परवाह नहीं करता हूँ, और मुझे बिल्कुल रत्ती भर ही परवाह नहीं है। फिर बोलते हैं रत्ती भर ही परवाह नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं आई एम फॉन्ड ऑफ फैंसी ड्रेसेज, क्योंकि मैं फैंसी ड्रेसेज का शौकीन हूँ। मेड बाय द बेस्ट सी मिस्ट्रेस, जो कि सबसे अच्छी दर्जन या फिर सीने वाली जो स्त्री होती है उसके द्वारा बनाई गई हों। अब टू मैन यहाँ पर एंटर करते हैं। फर्स्ट व्यूअर बोलता है बुनकर, व्यूअर बोलते हैं बुनकर को, योर मजेस्टी वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर सीइंग अस, कि हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं, एहसानमंद हैं जिनको, जो कि आपने हमें अपने आप को देखने दिया। टू यू, हम आपके कृतज्ञ हैं, एहसानमंद फॉर सीइंग अस, इसके हम आपको देख सके। वजीर बोलता है ए पॉलिटिकल एडवाइजर और मिनिस्टर। वजीर जो होता है ए पॉलिटिकल, सॉरी ये तो वर्ड मीनिंग्स हैं, यार वर्ड मीनिंग्स। एम्परर बोलता है हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, कि तुम मेरे लिए क्या लेकर के आए हो। तो सेकंड व्यूअर बोलता है योर मजेस्टी वी आर द वर्ल्ड्स मोस्ट वंडरफुल व्यूअर्स, तो मेरे महाराज हम इस संसार के सबसे अच्छे बुनकर हैं। वी आर हेयर टू मेक यू द बेस्ट ड्रेस इन द वर्ल्ड, हम यहाँ आए हैं तुम्हारे लिए संसार के सबसे अच्छे ड्रेस बनाने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए। एम्परर बोलता द बेस्ट ड्रेस इन द वर्ल्ड, एम्परर बोलता है कि संसार की सबसे अच्छी ड्रेस। व्यूअर्स गाते हैं यस यस योर मजेस्टी व्हाट वी से इज ट्रू, कि हाँ महाराज, हाँ हाँ महाराज, जो हमने बोला वो सच है। वी शल गो बियॉन्ड योर कैपेसिटी टू टेक द बेस्ट ड्रेस फॉर यू। वी शल गो, हम गए हैं अपनी कैपेसिटी से और आगे गए हैं तुम्हारे संसार की सबसे अच्छी ड्रेस बनाने के लिए। इट इज़ नॉट एनी कॉमन क्लोथ, ये कुछ साधारण कपड़ा नहीं है। इट्स थ्रेड इज स्पेशली डाई, इसके जो धागे हैं बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े विशेष रूप से डाई यानी कि रंगे गए हैं। एंड इफ वन इज अनफिट फॉर हिज जॉब, और अगर
यहाँ पे ऐसे उसने एक बात बोल दी थी, एंड इफ वन इज अनफिट फॉर ए जॉब इट विल वैनिश फ्रॉम हिज साइड। तो उसने एक बात बोली, उन्होंने वनकर्ष ने एक बात बोली थी यहाँ पर कि अगर वो अपने काम के प्रति अनफिट है, अयोग्य है, अकुशल है, तो इट विल वैनिश फ्रॉम हिज साइड, तो वो अपनी आंखों की रोशनी को या साइड को खो देगा। तो एम्प्रा बोलता है एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, इट विल बी अ गुड गुड ट्रिक टू नो हु इन माई किंगडम इज स्टूपिड एंड इनएफिशिएंट। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी चाल है ये जानने के लिए मेरे राज्य में कौन मूर्ख है और कौन निकम्मा या अयोग्य है। टेक दिस पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये राजा ने बोल दिया कि गोल्ड कॉइन्स का जो पाउच है लो और अपना काम स्टार्ट कर दो बिना कोई देरी किए। वजीर, इट इज़ योर ड्यूटी टू गो एंड चेक ऑन देम आफ्टर एवरी फ्यू डेज। तो वजीर से वो बोलता है कि ये आपके कर्तव्य, आपकी ड्यूटी है कि आपको हर वीक में जाना है, वीक के कुछ दिन बाद जाना और उनको चेक करना है। सीन सेकंड स्टार्ट होता है ऐसे, व्यूअर्स रूम उनको कमरे में क्रिकेट चर्प इन द बैकग्राउंड। तो क्रिकेट यानी कि झूमर है वो बैकग्राउंड यानी कि उनके पीछे चिल्ला रहे हैं, चर्प यानी कि चहचा रहे हैं। द व्यूअर्स आर प्रिटेंडिंग टू वर्क ऑन एन एम्प्टी लूम। तो व्यूअर्स जो हैं जो बुनकर वो इस तरीके से नाटक कर रहे हैं, प्रिटेंड बोलते हैं नाटक करना, टू वर्क ऑन एम्प्टी लूम, जैसे कि वो काम कर रहे हैं किसी खाली लूम पर। द वजीर एंटर्स, वजीर एंटर करता है वजीर टू हिमसेल्फ, अपने आप से, गुड लॉर्ड आई कैन नॉट सी, अपने आप से बात कर रहा है अभी, आई कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द लूम, कि मुझे मैं लूम पर कुछ नहीं देख सकता। डज दिस मीन दैट आई एम स्टूपिड, इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। इट मस्ट बी अनफिट फॉर माई जॉब, कि मैं अपने काम में मतलब अयोग्य है, अकुशल हूँ। ग्रेट हेवंस, आई शुड नेवर लेट एनी वन नो अबाउट दिस, कि इसके बारे में मेरे भगवान इसके बारे में कोई नहीं जानना चाहिए, इसके बारे में कोई भी नहीं जानना चाहिए, एल्स आई विल लॉस माई जॉब, अन्यथा मैं अपनी जॉब को खो दूंगा, अपनी नौकरी को मैं खो दूंगा। व्यूअर्स, हाउ डू यू फाइंड द क्लॉथ डियर वजीर। तो व्यूअर्स बोलते हैं कि तुमने इस कपड़े को कैसे ढूंढा, या तुम्हें कैसा अच्छा लगा, कैसा लगा कपड़ा। तो वजीर बोलता है लुक्स एट द एम्प्टी रूम, उस एम्प्टी रूम की तरफ देखते हो, ओह इट इज मार्वलस, अरे तो बहुत ही अत्युत्तम, बहुत ही बेहतरीन है। व्हाट गॉर्जियस कलर्स, कितना प्यारा, कितना शानदार कलर है, कितना शानदार रंग है। व्हाट इंट्रिकेट डिजाइन, कितनी पेचीदा, कितनी जटिल डिजाइन है इसकी। इट इज अ फीस्ट फॉर द आइज, ये तो आंखों के लिए आनंद है। द एम्परर वुड लाइक टू सी इट हिमसेल्फ, अब एम्परर तो वो उसे देखना चाहेगा। ही विल वियर इट ऑन द ग्रेट डे ऑफ सेलिब्रेशंस, वो इसे पहनेगा जब समारोह का एक बहुत बड़ा दिन होगा, समारोह का बहुत बड़ा दिन होगा, वो इस दिन इसको पहनेगा। द एम्प्रेस एंटर्स द व्यूअर्स रूम, अब जो राजा था वो व्यूअर्स यानी कि बंद करो कमरे में एंटर करता है, अलॉन्ग विद हिज मैन, अपने आदमियों के साथ में। द व्यूअर्स अगेन प्रिटेंड टू वर्क ऑन द एम्प्टी रूम, जो व्यूअर्स जो बंद करते हैं वो दोबारा से नाटक करते हैं उस खाली रूम पर काम करने का। एम्प्रेस बोलता है अपने आप से, ओ गॉड लॉर्ड आई कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द लूम, भगवान मुझे, मैं लूम पर कुछ भी नहीं देख सकता। डज दिस मीन दैट आई एम स्टूपिड, इसका मतलब है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं यहाँ बेवकूफ़ हूँ। आई मस्ट बी अनफिट फॉर माई जॉब, मैं अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए अनफिट हूँ, अयोग्य हूँ। गेट अवंस, महामहिम, आई शुड नेवर लेट एनी वन नो अबाउट दिस और एल्स माई एनिमीज विल टेक द थ्रोन अवे फ्रॉम हिम। तो इसके बारे में किसी को जानना नहीं चाहिए, ठीक है, अन्यथा मेरे शत्रु मुझसे सिंहासन को ले लेंगे या फिर छीन लेंगे। व्यूअर्स बोलते हैं हाउ डू यू फाइंड द क्लॉथ योर मजेस्टी, तो जो बुनकर है वो बोलते हैं तो तुम्हारा कपड़ा कैसा लगा। मेरे महाराज व्यूअर्स बोलता है लुक्स एट द एम्प्टी लूम, उस एम्प्टी लूम की तरफ देखते हुए, ओ इट इज़ मार्वलस, अरे ये तो बहुत ही शानदार है। व्हाट फैबुलस कलर्स इज, इसका कितना शानदार कलर है, कितना शानदार रंग है। व्हाट एग्जोटिक डिजाइन, कितनी अजीब, कितनी असाधारण डिजाइन है। इट इज़ अ फीस्ट फॉर द आइज, ये तो आंखों के लिए शानदार है, आनंद है। आई एम वेरी प्लीज, मैं बहुत खुश हूँ। सीन थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द ग्रेट डे ऑफ सेलिब्रेशन अराइव, जो समारोह का जो बड़ा दिन था वो आ जाता है, वो आ पहुँचता है। द एम्प्रेस एंटर्स व्यूअर्स रूम, जो एम्परर था, जो राजा था, सम्राट जो था, वो व्यूअर्स रूम में एंटर करता है अपने आदमियों के साथ में। द व्यूअर्स प्रिटेंड टू बी होल्डिंग अ ड्रेस इन देयर हैंड, तो जो व्यूअर्स हैं वो इस तरह के नाटक करते हैं कि जैसे उन्होंने अपने हाथ में ड्रेस को पकड़ा हुआ हो। नो वन कैन सी द ड्रेस, कोई भी उस ड्रेस को नहीं देख सकता था। बट एवरीवन प्रेज इट, लेकिन सबने इसकी प्रशंसा की। एवरीवन बोलते हैं जैसे, इट इज अ मास्टरपीस, अरे कितनी श्रेष्ठ रचना है।
एम्प्रेस रिमूव हिज क्लॉथ, उस राजा ने अपने कपड़े उतार दिए, कपड़े रिमूव कर दिए, हटा दिए थे। द वीवर्स एक्ट एज इफ दे आर ड्रेसिंग द एम्प्रेस इन द न्यू क्लॉथ, और जो वीवर्स थे वो इस तरीके से एक्ट कर, इस तरीके से काम कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, जैसे कि वो राजा को नए कपड़े पहना रहे हों। द एम्प्रेस स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, जो राजा था वो एक मिरर के सामने यानी कि शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, एंड एडमायर्स हिमसेल्फ, और स्वयं प्रशंसा करता है। आउटसाइड, बाहर की तरफ एक क्राउड है असेंबल्ड, बाहर की तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी, असेंबल्ड बोलते हैं इकट्ठा हो जाना। इन ए स्ट्रीट, एक गली में, टू सी द एम्प्रेस न्यू ड्रेस, ट्रम्पेट्स ब्लो, तो राजा की भीड़ इकट्ठा होती है राजा के नए ड्रेस को देखने के लिए इकट्ठा होती है। ट्रम्पेट्स ब्लो, जो तुरही होती हैं, जो बांसुरी होती हैं, जो नगाड़े होते हैं वो बजने लगते हैं। द एम्प्रेस एंटर द स्ट्रीट, जो राजा होता है वो गली में एंटर करता है। द एम्प्रेस एंटर मार्चिंग अहेड ऑफ हिज मैन, वो आगे बढ़ता है अपने आदमियों के साथ में। द क्राउड इज सरप्राइज, और जो भीड़ थी वो सरप्राइज हो जाती है। अमॉन्ग द क्राउड इज ए बॉय इन हिज फादर्स आर्म, उस भीड़ के बीच में ही एक बच्चा था, बिग बच्चा था अपने पिताजी की बाहों में। एवरीवन अराउंड हिम एरे प्रेज द एम्प्रेस, और हर कोई चारों तरफ उस राजा की प्रिय जाने की प्रशंसा कर रहा था। वुमेन बोलती है, वाओ द एम्प्रेस ड्रेस इज वंडरफुल, एक वुमेन बोलती है अरे राजा का ड्रेस तो बहुत ही वंडरफुल है। यस आई कैन सी इट, आई एम स्मार्ट, अरे मैं इसे देख सकती हूँ, हाँ मैं इसे देख सकती हूँ, मैं बहुत ही चालाक हूँ, बहुत ही समझदार हूँ, स्मार्ट हूँ। मैं एक मैन बोलता हूँ नहीं उसी वीडियो में, यस आई कैन सी टू, अरे इसे मैं भी देख सकता हूँ, आई एम स्मार्ट हूँ, मैं भी स्मार्ट हूँ। द ड्रेस इज एनचेंटिंग, तो ये ड्रेस तो बहुत ही सम्मोहक है, बहुत ही जादुई है। जो छोटा बच्चा था वो बोलता है, बॉय बट फादर, लेकिन पिताजी, द एम्प्रेस इज नॉट वियरिंग एनीथिंग, के राजा ने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ है, लुक देखो, ही हैज नो क्लॉथ ऑन, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं है। देयर इज ए हश एज द क्राउड लुक्स एट द बॉय शॉक्ड, तो यहाँ पर शांति छा गई थी, बिल्कुल खामोशी हो गई थी, और वो भीड़ भीड़ थी शॉक्ड होते हुए उस राजा की ओर, उस बच्चे की ओर देख रही थी। देन तब सडनली एवरीबडी स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, तब अचानक से सभी ने एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर दिया था। क्राउड विस्पर्स, जो भीड़ बुदबुदाते थे, चाइल्ड इज राइट, भीड़ थोड़ा बुदबुदाते थे कि बच्चा सही बोल रहा है, स्टार्ट बोलते जोर से, द एम्प्रेस इज नॉट वियरिंग एनीथिंग, कि राजा ने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। द एम्प्रेस एंड हिज मैन रियलाइज द क्राउड इज राइट, एम्प्रेस और उनके आदमियों को ये एहसास हो जाता है कि भीड़ सही बोल रही है। द एम्प्रेस Emperor is impressed, तो जो राजा था वो शर्मिंदा होता है। However, यद्यपि he has no choice, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, but to trot on faking pride, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं, लेकिन वो जल्दी से आगे बढ़े और फेकिंग प्राइड, यानी कि उसको फेक मतलब बेवकूफ जो बनाए तो गर्व था। एंड द क्राउड स्प्लिट्स एट इट्स साइड्स लाफिंग, और जो बड़ी भीड़ थी वो जोर जोर से हंसने लगी थी। ये जो स्टोरी है एम्प्रेस, द एम्प्रेस न्यू ड्रेस या क्लॉथ, बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा ये रिटन है। आप चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज द एम्प्रेस, जैसा कि स्टोरी में देखा है, द एम्प्रेस वाज ए फूलिश पर्सन हु लव्ड फैंसी एंड एक्सपेंसिव ड्रेसेस। सेकंड का वर्ड, द व्यूअर्स फूलिश, हाउ कैन यू टेल, तो नो द व्यूअर्स वर नॉट फूलिश बिकॉज एंड अर्नड ए पाउच ऑफ गोल्ड कॉइंस मेकिंग फूल ऑफ एनीवन। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड वजीर नॉट सी दैट ही कुड नॉट सी एनीथिंग ऑन द लून, तो वजीर बोलता वजीर डिड नॉट से, वजीर ने नहीं कहा था क्योंकि दैट बिकॉज ऑन सेइंग ही सो ही वुड बी कंसीडर्ड स्टूपिड एंड इनएफिशिएंट। क्वेश्चन फोर्थ, वाई डिड द एम्प्रेस हाइड द फैक्ट दैट ही कुड नॉट सी एनीथिंग ऑन द लूम, आंसर देखते हैं इसका। द एम्प्रेस हाइड द फैक्ट बिकॉज इफ ही सेड इट हिज एनिमीज वुड टेक द थ्रोन अवे फ्रॉम हिम। तो क्वेश्चन फाइव देखते हैं, Why did everyone in the street pretend to admire the emperor knowing well that he was not wearing anything? तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, everyone in the street pretend because they were too afraid of being considered stupid and inefficient. तो ये कुछ क्वेश्चन रेफरेंस विद द क्वेश्चंस देने हैं, रेफरेंस विद द कॉन्टेक्स्ट देने हैं, तो इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट मैंने लिख दिए हैं, सेम है, और ये इस बुक का लास्ट लेसन है, इसके बाद ये बुक फिनिश हो जाएगी, ठीक है। अब इस लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स बता दिया आपको, रेफरेंस मैंने अब के एक ही किया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है, बट मैंने आपको एक ही कराया है, दूसरा नहीं कराया इसमें रेफरेंस कॉन्टेक्ट वाला, इसके बारे में देखेंगे।
मजेस्टिक क्राउन यानी क्राउन हेड। आपके वर्ड मीनिंग्स मैंने दूसरे तरीके से की हैं, यानी इसमें मैंने सोनेट साथ लिखा है, आगे से आपको इस तरीके से मिलेंगी, ठीक है। दीज आर सम वर्ड मीनिंग्स फॉर दिस लेसन। फैंसी, पीडीएफ, विचित्र, डैश मेकर, ग्रेटफुल, थैंकफुल और एहसान मंद, इसकी हिंदी मीनिंग है, ठीक है। ये सारे वर्ड मीनिंग्स मैंने लिख दिए इसमें, यहाँ से आपका लेसन हो जाता है ये। और ये पूरी की पूरी बुक ही फिनिश हो चुकी है, करेंगे हम 7th और 8th क्लास का।